सरकारी नौकरी और टीचर बनने का ख्वाब न जाने कितने लोग देखते हैं, उसमें से ही एक स्टेट हमारा आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में होता है टेट, या फिर हम कह सकते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि महाटेट के नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र टेट के बारे में, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जानेंगे, और उसकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए वो हम डिटेल एज पर रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। बट एक शॉर्ट जो डिटेल है महाराष्ट्र टेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाटेट, या फिर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र टेट, और ये कौन से होने वाला है, ये है 2023 का। तो इसमें जो हम जानते हैं महाटेट को, वो जानते हैं महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम कहते हैं महाटेट। ये कौन कराता है, या फिर हम कह सकते हैं कंडक्ट जो बॉडी है वो कौन है, तो ये होती है आपकी MSCE, जिसको फुल फॉर्म जो अगर जाने हम वो है महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन। ये आपका महाराष्ट्र टेट को जो है कंडक्ट कराती है। ये साल में कितनी बार कराती है, तो ये साल में जो है वो एक बार कंडक्ट जो है वो कराती है, और ये एग्जाम जो होता है वो है आपका स्टेट लेवल। जैसे कि आपने सी टेट का नाम सुना होगा, तो सी टेट क्या है, सेंट्रल लेवल एग्जाम टेस्ट है, जो कि सभी स्टेट में होता है, एक साथ होता है, तो उसको हम क्या जानते हैं, सेंट्रल लेवल टेस्ट जानते हैं, सी टेट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हमारा स्टेट एग्जाम होता है, और जैसे कि हमने बताया ये ईयर में कितनी बार होता है, ये ईयर में एक बार कराया जाता है। इसमें पेपर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे कि हमारा सी टेट में है सेम उसी तरह से हम कह सकते हैं काफी चीजें कॉमन है। तो इसमें भी हमारे पास पेपर वन और पेपर टू दो होते हैं, जिसमें अगर हम जाने तो पेपर वन जो होता है वो फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक के टीचर बनने के लिए कराया जाता है, या आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक के टीचर्स के लिए। वहीं पे पेपर जो टू होगा वो होगा सिक्स से लेके एट तक के टीचर्स के लिए, या कह सकते हैं क्लास पढ़ाने वाले जो अध्यापक हैं उनके लिए। ये जो आपका है पेपर वन और पेपर टू हुआ, इसमें जो मोड होता है वो आपका मोड होगा आपका ऑफलाइन। सी टेट तो अब ऑनलाइन होने लगा, लेकिन महाराष्ट्र टेट जो है अभी तक ऑफलाइन है। इसका जो अगर आप बात करें तो जो आपके टोटल जो टाइम मिलता है वो 150 मिनट्स मिलेंगी, जिसमें आपको क्वेश्चन भी 150 ही करने होते हैं। जिसमें अगर हमने बताया जैसे कि जो इसका टेंटेटिव डेट्स हैं एग्जाम्स की और फॉर्म आने की, तो वो है अगस्त और सितंबर में आपके फॉर्म आते हैं, जिसके एक महीने के करीब का टाइम लिया जाता है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। एक महीने का जो टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है आपके फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आता है और सेप्टेम्बर में आपका कहीं आपको फॉर्म देखने को मिलता है, जो कि एडमिट कार्ड फिर उसके बाद आपको मिलेगा सितंबर के एंड तक, आप कह सकते हैं अगर स्टार्टिंग में आपको फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आपको वहां पे अगर हम बात करें जो रिजल्ट है और एग्जाम है उसमें टोटल जो टाइम लग जाता है वो लग जाता है 3 महीने, क्योंकि पहले एक महीने का जो टाइम दिया जाएगा वो आपको फॉर्म फिल करने का दिया जाएगा, उसके एक से डेढ़ महीने के बाद आपको एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके करीबन 20 से 30 दिन बाद आपका रिजल्ट आता है। तो आपका टोटल जो प्रोसेस है इसमें अप्रोक्सीमेट 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है, ये साल में एक बार होगा। और इसको कराने के लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो लगभग सीटेट या अलग जैसे यूपी टेट है, रीट एग्जाम है, उसी की तरह सेम है, जिसमें आपकी 12th लेवल प्लस ग्रेजुएशन, या और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा एजुकेशन में, जिसको हम DLED या BTC जानते हैं, साथ ही साथ आपका जो आपका BEd है वो होना जरूरी है। जरूरी नहीं है आपका डिप्लोमा और डिग्री, दैट्स मीन आपका BTC और BEd दोनों हो, दोनों में से एक भी चलता है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आगे आप जो टीचिंग जॉब्स हैं उन पर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप BTC करते हैं तो भी आप पेपर वन और पेपर टू दे सकते हैं अभी के केस में, और अगर आप पेपर टू भरना चाह रहे हो और आपके पास BEd BTC का दोनों का ऑप्शन है आपने किए, तो आप तब भी दोनों पेपर्स दे सकते हैं, सिंगल भी दे सकते हैं, डबल भी दे सकते हैं। बात करें फॉर्म फी की, तो ₹500 पर पेपर की फी होती है इन जनरल कैटेगरी, और अगर आप दोनों भरते हो तो 800-900 रुपए की फीस, आई थिंक ₹800 फीस होती है इसकी दोनों पेपर्स की अगर आप डालते हो। पेपर में आने वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर हम बात करें पेपर वन की, तो पेपर वन के लिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, इसमें जो सब्जेक्ट आते हैं पेपर वन में, तो पेपर वन में सबसे पहला आता है CDP, CDP के बाद आपको देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपका CDP, उसके बाद आपका लैंग्वेज वन, लैंग्वेज टू, टोटल लगभग 9 जो लैंग्वेजेस है वो सपोर्ट करता है महाराष्ट्र टेट, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बंगाली, आई थिंक, तो ये आपकी टोटल 9 जो लैंग्वेज है ये आपकी सपोर्ट करता है, या फिर ये कह सकते हैं हम कि इसमें आप इन लैंग्वेजेस पे एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद आपके पास होता है मैथ, और इसके बाद होता है आपका EVS। ये आपका पेपर वन के
पांच सब्जेक्ट होंगे जो 30-30 नंबर के पर सब्जेक्ट के हिसाब से 150 नंबर बैठते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पेपर टू की, तो पेपर टू में आपका सीडीपी भी रहेगा, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों चीज रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैथ वाले जो साइड होते हैं उसमें मैथ प्लस साइंस होगा, ये होगा आपका 60 मार्क्स का। वहीं पे अगर आप इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आप साइंस साइड से नहीं है, तो आपके पास सोशल साइंस का भी ऑप्शन होगा, और सोशल साइंस जो होगा आपके पास वो होगा 60 मार्क्स का। वहाँ पे मैथ साइंस नहीं आएगी, आपके सोशल स्टडीज जो है वो आएगा, तो आपका वो 60 मार्क्स का वहाँ पे बनता है और टोटल 150 ही होगा। जैसे कि आपको सीटेट में सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सीडीपी पढ़ने से, या फिर आप कह सकते हैं पैडागोजी, तो यहाँ पे भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको सीडीपी के साथ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए महाराष्ट्र टेट के लिए, इसके सिलेबस या फिर क्लासेस के लिए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।